मरियम नवाज 2 साल पहले से शोर डाल रही थी ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो नून लीग की मकबूलियत 15% से भी नीचे है। 6-7 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा $17.5 अरब के रिजर्व छोड़ के गया जो इन्होंने 3 माह में उड़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट स्वीटी बट इंडिपेंडेंट पाकिस्तान से। व्यूअर्स, आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन व्यूअर्स अभी तक इलेक्शन की कोई कारआमद कोई आमद नहीं कि इलेक्शन की कोई तासरा नज़र नहीं आ रहे। तो व्यूअर्स हम ये जानना चाहेंगे कि निगरान हुकूमत को किस पार्टी से डर है, किस बात का खौफ है कि वो अभी तक इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। आए हम अवाम से पूछते हैं, अवाम से जानते हैं कि निगरान हुकूमत इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही, उनसे बात करते हैं। आए मेरे साथ। आइन के मुताबिक तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, निगरान हुकूमत क्यों नहीं इलेक्शन करवा रही? वो देखें, ये वो जो मरियम नवाज 2 साल पहले से शोर डाल रही थी ना, लेवल प्लाइंग फील्ड, ये उस वजह से वो अभी उनके हिसाब से नहीं हुई। अभी एक पार्टी का तो सरबरा अंदर है, ठीक है ना, अब उनके हिसाब से अभी नहीं हुई, सिर्फ अंदर करना काफी नहीं है। वो चाह रहे हैं इसको जो है ना, वो उसके बाप की तरह जो है इसको भी नाहल किया जाए, ठीक है। और उन्हें पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो नून लीग की मकबूलियत 15% से भी नीचे है। आप अनारकली में फिर रहे देख ले, ठीक है ना, पीटीआई की मकबूलियत 80% से ऊपर जा रही है। आप नेट देख लें, आप सर्वे देख लें। असल बात यह है कि इन्होंने ना सारी जिंदगी सड़कें बना के इन्होंने लोगों को बताया तरक्की हो रही है, मगर खान ने पहली दफा बताया कि मुल्क तरक्की कैसे करता है, ठीक है ना। ये 40 साल के तजर्बाकार कभी जीडीपी जो है ना 3.5% से ऊपर नहीं लेके गए, ठीक है। उसने कोरोना के बावजूद 2 साल कोरोना रहा, कोरोना के बावजूद 6% पे आपकी ग्रोथ थी, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कभी 22-23 अरब डॉलर से ऊपर नहीं लेके गए, 4 दफा 40 साल के तजर्बाकार। इमरान खान के दौर में पहली दफा 38 अरब डॉलर पे गई है, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद आपकी टैक्स कलेक्शन, ये 40 साल के तजर्बाकार कभी टैक्स कलेक्शन 3500 अरब से ऊपर नहीं लेके गए। वो कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन 7000 को टच कर रही थी, 7000 अरब को, ठीक है। उसने बताया कि मुल्क आमदनी बढ़ने से जो है ना वो तरक्की करता है, ये सड़कें पुल बनाने से तरक्की नहीं करता। जब आपके पास पैसा होगा ना तो ये सड़कें पुल, आपके पास वाफर पैसा होगा, अच्छी से अच्छी बना लेंगे, ठीक है ना। और हर बंदे को उन्होंने 6-7 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया, ठीक है, 7 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया। ये सिर्फ सरकारी अपना हॉस्पिटल में जो है ना, नूली के लिए कहते हैं ये कार्ड हमने किया था तो पीटी ने इसको अमल किया, इस बारे में क्या कहते हैं? तो इनके वक्त में क्यों नहीं था, ये कार्ड नहीं किया था इन्होंने, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में दवाई फ्री की थी, ठीक है। आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता था फ्री में, आपको एसी वाला रूम भी मिलता था। किसके दौर में? इमरान खान के। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उन्होंने वो मेंशन किए थे, आपका जो एरिया होता था ना, आपके वो मेंशन करते थे कि ये हॉस्पिटल जो है ना, ये इसके ऊपर है, आप यहाँ से इलाज करवा सकते हैं। वैसे गरीब आदमी किधर सोच सकता था प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, नहीं सोच सकता था। तो जब आपकी आमदन बढ़ती है ना मुल्क की, और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, आपके रिजर्व बढ़ते, हाँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, ये जब भी गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं 3-4 अरब डॉलर से ज्यादा अपना नहीं छोड़ के गए खजाने में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 17.5 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गया, क्योंकि 22 अरब डॉलर के थे, 5.5 अरब डॉलर की किस्त देनी थी, वो किस्त दे के जिस दिन इसकी गवर्नमेंट खत्म हुई है 17.5 अरब डॉलर था जो इन्होंने 3 माह में उड़ा दिया 17.5 अरब डॉलर, और उसके बाद ये भीख मांगते फिर रहे हैं।
और दूसरी बात ये है, ये सारी जिंदगी कहते रहे कि ये यहूदियों का एजेंट है। आप तारीख उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें, जो एजेंट होता है ना, जिसके लिए काम कर रहा होता है, जब उस पर मुश्किल वक्त आएगा वो उन्हीं के पास जाके पनाह लेता है। इन्होंने कहाँ जाके पनाह लेते हैं, ये किसी मुसलमान मुल्क में नहीं जाते। जो हुक्मरान होता है ना, मुहिबुल वतन, अगर उसके ऊपर मुश्किल वक्त आ जाता है, बगावत हो जाती है, वो अपने किसी मुसलमान के पास जाके पनाह लेता है, ठीक है ना। वो यहूदियों ईसाइयों के पास जाके पनाह नहीं लेता। इनकी सारी इन्वेस्टमेंट वहां पे है, इनके बच्चे वहां पे, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट करने आते हैं। अब ये 2005 नहीं है, अब 2023 चल रहा है। ये एक बात करते हैं, आधे घंटे के बाद जो है ना, आधे घंटे में उसका तिया पांचा कर देते हैं नेट के ऊपर, कि जनाब ये आपका बयान, ये उसका बयान। ये समझते हैं कि अवाम अभी भी बेवकूफ़ है। और अगर ये इतना ही इनको अपने ऊपर एतमाद है, तो ये किसी को पैसे दिए बगैर एक जलसा कामयाब कर दे। तो वो भी रबर डल गया ना कि हमें पैसे नहीं दिए। ये छोटी सी गली है, ये इस गली को नहीं भर सकते, क्योंकि हर बंदे अब तो जो नून लीग में है ना, वो भी निकल गए इनसे। मैंने खुद 2008 तक नून लीग को वोट दिया, मेरा 88 में बना वोट, ठीक है ना, 88 से लेकर 2008 तक। जब शबाज़ सिंह ने ड्रामा किया ना, ये यहाँ पे बैठ के मीनारे पाकिस्तान पे पंखी लेके, उस वक्त छोड़ दिया। जरदारी से वजारतें भी ली इन्होंने 2008 में, पांच वजारतें ली, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि हम तो जलील हो रहे हैं, इन्होंने वजारतें छोड़ दी। अंदर से मिले हुए थे, ये ड्रामा कर रहा था सारा, क्योंकि आगे भी तो वोट लेने हैं ना, वो आप इनके ड्रामे शामे नहीं चलने, अब आवाम समझ चुकी है। ये निगरान हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा रही, किस पार्टी से इनको खौफ है, क्यों नहीं इलेक्शन करवा रही? किस पार्टी से खौफ है? अपने आप से खौफ है जी, अपने आप से खौफ है। तो कैसे? क्योंकि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते ना अभी। करवाड़ी इनको किस पार्टी से खौफ है? हाँ, किस पार्टी से? आपको भी पता है उन्हें किससे खौफ है? आप बताए ना, मैं तो एंकर हूँ। इमरान खान से खौफ है, और किससे खौफ है उन्हें यार? आप कैसे श्योर हैं? हाँ, और आपको पता है, आपको भी इस चीज का पता है, अगर लीगल इलेक्शन हो ना, तो इमरान खान की कम्युनिटी ज्यादा है, वो जीत जाएगा, इसलिए नहीं करवा रहे। वो उस बेचारे को अंदर डाला हुआ है, वैसे भी सच्चे बंदे को जो सच बोलता है ना, वो अंदर ही जाता है, ये पाकिस्तान है। जी तो व्यूवर्स, आपने देखा कि हमने लोगों से पूछा कि निगरान हुकूमत क्यों इलेक्शन नहीं करवा रही, आइन के मुताबिक तो हो जाना चाहिए था 90 दिन के अंदर अंदर, लेकिन अवाम ने अपनी अपनी राय पेश की, अवाम ने अपनी अपनी राय बताई। अब आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही। आपका होस्ट, आपका भाई स्वीटी भट्ट, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान से, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।